एवरीवन, लास्ट क्लास में अपन ने क्या देखा? लास्ट क्लास में अपन ने बात की थी सर्कुलेटरी सिस्टम की। ओके, वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, जिसमें अपन ने देखा था कि जो ब्लड वेसल्स होती है, देर आर टू टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। वन वी हैव आर्टरीज एंड नेक्स्ट वी हैव वेन्स। ओके, एंड आर्टरी कैरी प्योर ब्लड, ठीक है। आर्टरीज जो हैं वो क्या करती है, प्योर ब्लड कैरी करती है। और ये जो प्योर ब्लड है, अपन किसको प्योर ब्लड कहेंगे, ब्लड हैविंग ऑक्सीजन, ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन इंक्लूड होता है, वो अपना क्या हो गया, प्योर ब्लड हो गया। ओके, और ये प्योर ब्लड कहाँ से करता है, हार्ट से बॉडी के सभी पार्ट्स में उसको ट्रांसफर करता है। ओके, एंड नेक्स्ट अपने पास में है विंग्स, और विंग्स क्या करते हैं, जो इम्प्योर ब्लड है, मीन्स जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड इंक्लूड है, उसको हम क्या कहेंगे, इम्प्योर ब्लड। और ये जो इम्प्योर ब्लड है, ये कैरी कौन करता है, विंग्स, वेंस कैरी करते हैं। और ये कहाँ से करते हैं, बॉडी के जो सभी ऑर्गन्स होते हैं उनसे ये ब्लड को कैरी करता है, कहाँ, हार्ट के अंदर। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज द एक्सक्रीटरी सिस्टम। ओके, तो अब तक अपन हाउ मेनी ऑर्गन सिस्टम वी हैव स्टडी। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डन द स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम के बारे में अपन ने बात किया था। ओके, जो क्या होता है, अपनी बॉडी का फ्रेमवर्क होता है। ओके, नेक्स्ट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द मस्क्यूलर सिस्टम। मस्क्यूलर सिस्टम के बारे में अपन ने देखा था कि जो मसल्स होती है अपनी, जो स्केलेटल सिस्टम होता है, ठीक है, वो तो क्या करता है, बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। और जो मस्क्यूलर सिस्टम होता है वो क्या करता है, इन बोन्स को और जो जॉइंट्स होते हैं उनको स्ट्रेचिंग प्रोवाइड करवाता है, ठीक है, क्योंकि मसल्स भी जैसे बोन होती है वैसे पूरी बॉडी अपने मसल्स को प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट वी डिस्कस्ड अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम। तो जो फूड अपन लेते हैं, ओके, वो फूड किस तरह से अपन अपनी बॉडी में अपन लेते हैं और किस तरह से उसका डाइजेशन और कैसे अपने को उससे न्यूट्रिशन मिलता है, वो अपन ने देखा था। नेक्स्ट वी डिस्कस्ड अबाउट द रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ठीक है, उसमें अपन ने बात किया था कि जो अपनी ब्रीथिंग की प्रोसेस है उसमें किस तरह से ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैसेज का एक्सचेंज होता है। ओके, नेक्स्ट वी डिस्कस्ड अबाउट द सर्कुलेटरी सिस्टम। तो जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें अपन ने देखा था ब्लड का सर्कुलेशन किस तरह से बॉडी में होता है, ठीक है। नाउ आवर टुडेज टॉपिक इज द एक्सक्रेटरी सिस्टम। ओके, सो द एक्सक्रेटरी सिस्टम हेल्प्स इन द रिमूवल ऑफ वेस्ट सब्सटेंसेस लाइक स्वीट, यूरिन एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। एक्सक्रेटरी सिस्टम क्या करता है, हेल्प करता है लाइक स्वीट, ओके, और ये जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है इनका रिमूवल किस तरह से होता है, स्वीट, यूरिन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, यूरिन पास होता है, ओके, और स्वीट पास होता है। तो ये सारे क्या हैं, वेस्ट हैं जो अपनी बॉडी से रिमूव होते हैं। लंग्स, स्किन एंड किडनी आर एक्सक्रेटरी ऑर्गन, ठीक है, और अपने जो एक्सक्रेटरी ऑर्गन है वो क्या हो गए, लंग्स जिससे क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, स्किन जिससे क्या होती है, स्वीटिंग होती है, एंड किडनी जो है उसे यूरिन रिमूव होता है। ओके, किडनीज आर बीन शेप्ड स्ट्रक्चर दैट हेल्प टू कीप आवर बॉडी क्लीन। जो किडनी है उसकी शेप कैसी होती है, बीन शेप्ड होती है, कैसी होती है, बीन शेप्ड होती है, ओके, और ये ब्लड को क्लीन करने का वर्क करती है। ओके, नाउ द वेस्टेज आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। और ये जो वेस्टेज हैं, ओके, ये अब बॉडी से किस तरह रिमूव होते हैं, यूरिन की फॉर्म में, कैसे रिमूव होते हैं, यूरिन की फॉर्म में, ओके, ऑल्सो रिमूव्स एक्सेस वाटर एंड सॉल्ट्स, ठीक है। और ये क्या करते हैं, बहुत ज्यादा वाटर जो होता है उसको रिमूव करते हैं, ओके, एक्सेस वाटर, ज्यादा एक्सेस वाटर मतलब बहुत ज्यादा वाटर जो है, और सोल्ट
रिमूव करते हैं. ओके, लंग्स थ्रो आउट कार्बन डाइऑक्साइड गैस व्हेन वी ब्रीथ आउट. जब भी हम ब्रीथ आउट करते हैं, ब्रीथ हम इन करते हैं तो हम ऑक्सीजन लेते हैं. ओके, और जब हम ब्रीथ आउट करते हैं, ठीक है, जब अपन एयर बाहर निकालते हैं अपनी बॉडी से, तो हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं. ठीक है, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कौन बाहर निकालता है, लंग्स. कौन निकालता है, लंग्स. स्किन ऑल्सो थ्रो आउट द वेस्टेज थ्रो स्वीटिंग. और अपनी जो स्किन है, एज आई टोल्ड यू, ठीक है, स्वीटिंग, अपनी जो स्किन है उससे क्या होता है, स्वीटिंग के रूप में वाटर एंड सॉल्ट जो है वो बाहर निकलता है. ओके, स्वीट इज प्रोड्यूस बाय स्वीट ग्लैंड्स प्रेजेंट बीनीथ द स्किन. स्वीट जो है वो कहाँ से प्रोड्यूस होती है, जो अपनी स्किन है उसके नीचे की तरफ जो स्वीट ग्लैंड प्रेजेंट होती है, उन स्वीट ग्लैंड से क्या होता है, स्वीट प्रोड्यूस होता है. दिस हेल्प्स इन मेंटेनिंग बॉडी टेम्परेचर. और ये जो स्वीट है वो क्या करता है, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करता है. द नर्वस सिस्टम. ओके, सो आर नेक्स्ट, जो अपना ऑर्गन सिस्टम है वो क्या हो गया, नर्वस सिस्टम. इससे पहले आप इधर देख सकते हो जो एक्सक्रेटरी सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम का जो डायग्राम है, ठीक है, तो आपको क्या हो सकता है कि डायग्राम भी पूछा जा सकता है, आपको पिक्चर भी और इसके बारे में कुछ और भी पूछा जा सकता है. ओके, सो यू शुड, ये आप इस तरह से जो पिक्चर है, इस पिक्चर में आप देख के ये बता सकते हो, ये अच्छे से समझ सकते हो कि कौन कौन से ऑर्गन्स जो हैं वो इसमें इंक्लूड हैं, ठीक है, और किस तरह से ये बॉडी में प्रेजेंट होते हैं. अंडरस्टैंड. नेक्स्ट, द नर्वस सिस्टम. दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट सिस्टम ऑफ आवर बॉडी. ठीक है, ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट सिस्टम अपनी बॉडी का. ओके, इट कंसिस्ट ऑफ ब्रेन. अब देखो इसमें कौन कौन से ऑर्गन कंसिस्ट होते हैं, कौन कौन से ऑर्गन इसमें इंक्लूड होते हैं, ब्रेन एंड नर्वस, नर्व्स. ठीक है, इसमें ब्रेन, ये आप देख रहे हो ब्रेन एंड नर्व्स जो है वो सारे इसमें इंक्लूड होते हैं, नर्वस सिस्टम. द ब्रेन कंट्रोल ऑल फंक्शंस ऑफ द बॉडी. ओके, तो जो ब्रेन है वो क्या करते हैं, बॉडी के सभी फंक्शंस, जितने भी फंक्शंस हैं उन सबको कंट्रोल करने का वर्क करता है. ओके, नर्व्स आर लाइक थिन इलेक्ट्रिक वायर. और जो नर्व्स होती हैं वो कैसे होती हैं, थिन इलेक्ट्रिक वायर्स के जैसे प्रेजेंट होते हैं. दे कनेक्ट टू द ब्रेन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. ठीक है, और ये क्या करती है, जो नर्व्स हैं ये क्या करती हैं, आपकी जो बॉडी है उसके सभी पार्ट्स को, बॉडी के सभी ऑर्गन्स को, ठीक है, बॉडी के सभी ऑर्गन्स को किससे कनेक्ट करती है, आपका जो ब्रेन है, ये जो ब्रेन है आपको दिखाई दे रहा है, इस ब्रेन को ये बॉडी के सभी पार्ट्स से, सभी ऑर्गन से इसको कनेक्ट करती है. ओके, द ब्रेन इज लोकेटेड इनसाइड द हेड. ब्रेन कहाँ पे लोकेटेड होता है, इनसाइड द हेड, हेड के अंदर प्रेजेंट होता है. इट इज ए सॉफ्ट एंड डेलिकेट ऑर्गन. ओके, ये एक बहुत ही सॉफ्ट एंड डेलिकेट ऑर्गन होता है. मैसेजेस आर कैरीड टू एंड फ्रॉम द ब्रेन थ्रू द नर्व्स. ठीक है, और मैसेजेस क्या करते हैं, जो नर्व, मैसेजेस आर कैरीड इन फ्रॉम द ब्रेन थ्रू द नर्व्स. जो नर्व्स हैं वो क्या करती है, नर्व्स ही ब्रेन से क्या करती है, मैसेज को ट्रांसफर करती है. ओके, द नर्व्स आर कनेक्टेड टू द ब्रेन थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड. ओके, ये जो नर्व्स होती हैं आर कनेक्टेड टू द ब्रेन, ये ब्रेन से कनेक्ट होती हैं थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड. और किसके थ्रू, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ये क्या होती है, ब्रेन से कनेक्ट होती है. द ब्रेन गेट्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी लाइक आईज. और ये जो ब्रेन है ये कहाँ कहाँ से इंफॉर्मेशन गेन करता है. ओके, सपोज वी हैव हिज आईज, आईज से इंफॉर्मेशन लेता है, ईयर से इंफॉर्मेशन लेता है, नोज, स्किन एटसेट्रा, इन सभी से इंफॉर्मेशन गेन करता है. इट एनालाइसिस
एंड देन ये क्या करता है, इस इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करता है, पहचानता है. द इंफॉर्मेशन एंड सेंड्स बैक इंस्ट्रक्शन फॉर एक्शन. और ये फिर क्या करता है, इन सबसे मैसेज जो है वो गैन करता है, उस मैसेज को रीड करता है. ओके और फिर ये क्या करता है, मैसेज को सेंड बैक करता है, इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन सेंड्स बैक. ठीक है, फिर वापस से ये इन ऑर्गन्स को जो अपनी आईज ईयर्स नोज की, इनको फिर से ये क्या करता है, मैसेज सेंड बैक करता है, इंस्ट्रक्शंस फॉर एक्शन. ठीक है, सो दैट ये ऑर्गन्स इस मैसेज के अकॉर्डिंग रिएक्ट कर सके, एक्शन कर सके. द इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शंस गो टू एंड फ्रॉम द ब्रेन टू अदर कनेक्टेड ऑर्गन थ्रू द नर्व्स. और इन और इस माइंड से, जो अपना ब्रेन है, उस ब्रेन से भी जो मैसेज है, ठीक है, इस ब्रेन से भी ये मैसेज कहाँ पे जाता है, इन ऑर्गन्स के पास में जाता है. ठीक है, इन ऑर्गन्स के पास में जाता है. ठीक है, और फिर ये ऑर्गन क्या करते हैं, एक्ट करते हैं. देखो पहले ये मैसेज क्या करता है, जैसे ही आपके हैंड में कुछ, जैसे नीडल आपके हैंड में चुभ गई, ठीक है, तो उसका मैसेज कहाँ जाएगा, आपके ब्रेन में जाएगा. ठीक है, ठीक है, आपको पहले ये पता नहीं चलता कि आपको पेन हो रहा है या फिर ये चुभ रहा है. ठीक है, जैसे ही आपकी स्किन को टच हुआ तो आपका ये मैसेज जाएगा ब्रेन के पास में, और ब्रेन क्या करेगा, फिर उस मैसेज को वापस उसको रीड करेगा, आइडेंटिफाई करेगा कि आपकी स्किन के साथ में क्या हो रहा है, और फिर उस मैसेज को क्या करेगा, वापस से उस ऑर्गन को देगा कि नहीं ये आपके लिए पैनिक है, तो इसलिए आपको यहाँ से अपना हैंड हटाना है. सेम चीज़ किसके साथ में होती है, जैसे आपकी आईज है, आप अपनी आईज से जैसे बुक देख रहे हो, रीड कर रहे हो, जैसे आपने बुक देखा, कुछ लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ऑर्गन, तो आपने ये देखा और इसको रीड किया, तो जब तक आपने इसको देखा तो आपको नहीं पता, लेकिन ये देखा जब ये मैसेज जाएगा कहाँ पे, ब्रेन के पास, तो ब्रेन इसको बताएगा कि ये नाम क्या लिखा हुआ है, ऑर्गन लिखा हुआ है, फिर ये वापस से मैसेज जो है वो आईज को देगा, और आईज फिर क्या करेंगे, इसको देखेंगे, ठीक है, रीड करेंगे, और फिर अपन क्या करेंगे, इस पर रिएक्ट करेंगे. अंडरस्टैंड? तो अपने जो ये जो भी ऑर्गन्स हैं, जैसे आईज ईयर्स, जो भी अगर आप साउंड भी अगर सुन रहे हो, तो आपके ईयर्स को ये नहीं पता कि आप क्या साउंड सुन रहे हो, लेकिन आपका जो ब्रेन है वो उस साउंड को, उस साउंड वाला जो मैसेज होता है उसको लेता है, रीड करता है, फिर ईयर को बताता है कि आप कौन सा साउंड सुन रहे हो. ओके, इसी टाइप से आपका नोज है, नोज को अगर कोई भी स्मेल आई तो उसको नहीं पता कि वो स्मेल बैड है या गुड है, लेकिन वो स्मेल बैड है, गुड है, आपको लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, ये कौन बताता है, आपका जो ब्रेन है वो उसको मैसेज बताता है कि ये जो स्मेल आप ले रहे हो क्या है. ओके, थ्रू द नर्व्स. और ये जो ऑर्गन्स होते हैं, आईज ईयर्स नोज की, ये नर्व्स के थ्रू क्या करते हैं, ब्रेन से अटैच होते हैं, और ये जो नर्व्स होती है वो क्या करती है, इन मैसेजेस को जो अपने ऑर्गन्स होते हैं, लाइक कौन कौन से ऑर्गन, आईज ईयर्स नोज स्किन, इन ऑर्गन को क्या करता है, ये ब्रेन से कनेक्ट करता है, और इन ऑर्गन्स के बीच में ये जो मैसेजेस होते हैं उनको ये पास करते हैं. द नर्वस सिस्टम हेल्प्स ऑल अदर सिस्टम टू वर्क प्रॉपरली. ठीक है, अब आप ये देख पा रहे हो कि जैसे आपकी स्किन को भी कुछ लगा तो उसको भी किसने कंट्रोल किया, वो भी कौन बता रहा है, आपका ब्रेन बता रहा है. ठीक है, आपकी आईज को भी क्या करना, ब्रेन बता रहा है, ईयर भी क्या कर रहा है, ब्रेन बता रहा है. ठीक है, तो इस टाइप से अब आप ये समझ सकते हो कि ये जो अपना नर्वस सिस्टम है ये क्या करता है, अपनी इस पूरी बॉडी को हेल्प करता है कि ये प्रॉपर वे में अपना वर्क कर सके. ठीक है, जो अदर जो सिस्टम है, जो अदर सिस्टम अपन ने अब तक आई थिंक 6 ऑर्गन सिस्टम अपन पढ़ चुके हैं. ठीक है, और आगे भी जो ऑर्गन सिस्टम अपन पढ़ेंगे, उन सभी ऑर्गन सिस्टम को प्रॉपर वे में वर्क करने के लिए, उन सभी ऑर्गन सिस्टम को प्रॉपर वे में वर्क करने के लिए हेल्प कौन करता है, नर्वस सिस्टम. कौन करता है, नर्वस सिस्टम. तो ये आप मान सकते हो कि ये जो सिस्टम है वो सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम है. ओके, नेक्स्ट वी हैव इज द रिप्रोडक्टिव सिस्टम. द रिप्रोडक्टिव सिस्टम हेल्प्स इन प्रोड्यूसिंग बेबीज. जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो किस में हेल्प करता है, बेबीज प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है. ओके,
मेल एंड फीमेल हैव डिफरेंट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है, मेल और फीमेल में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं. फीमेल्स गिव बर्थ टू बेबीज, ठीक है, और जो फीमेल होती है उसको बर्थ कौन देता है, सॉरी जो बेबीज होते हैं उनको बर्थ कौन देता है, फीमेल. ओके, नाउ चैप्टर इज कंप्लीटेड एंड इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर. सो इनाफ फॉर टुडे. थैंक यू.